गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है मेरा घर पर लास्ट डे और मैं सोचा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग मीठी मीठी चाय से की जाए, क्योंकि लास्ट डे और मैं शायद दो चीजों के अलावा शायद ही मैं बहुत अच्छा कुछ बना पाऊँ। मतलब बनाना तो मुझे वैसे आता है, लेकिन मैं बहुत अच्छा जो बना पाती हूँ वो है एक मैगी और दूसरी है चाय। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ स्पेशल बनाकर सबको पिलाया जाए, और मेरा भी थोड़ा सा गला खराब है तो मैं सोचा सबके साथ साथ मैं भी पीऊंगी। और मॉर्निंग में व्लॉग आ रहा है तो गाइज आप भी फटाफट से चाय बनाइए और चाय के साथ मेरे व्लॉग को एंजॉय करिए। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। बाद मैं कंटेंट की खोज में निकली थी और मुझे ये बिच्छू दिख गया। मैंने सोचा चलो इसका व्लॉग बना के, सॉरी इसकी वीडियो बना के मम्मी को दिखाया जाए और मेरे साथ क्या किया इसने ये देखें आप। ओह मामा, शिट, अटैक आते आते बच गया गाइस फाइनली। और ये जब वीडियो मैंने मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने कहा बेवकूफ लड़की, ये बिच्छू नहीं था, ये बिच्छू जैसा दिख रहा है, छोटा सा नन्ना सा कीड़ा। फिर मम्मी ने इसे उठाया और प्रॉपर हरियाली और पेड़ पौधे के बीच छोड़ दिया। फिर फाइनली मैं नीचे पहुंची और नीचे जाने के बाद मुझे अपने रिजेक्टेड कपड़े, मतलब मेरे और भाई बहनों के सबके थे जो बचपन में हम पहना करते थे। और ये जो निक्कर देख रहे हो गाइस, ये मेरी नहीं है, ये मेरे भाई की है। और ये लहंगा, ये भी मेरा नहीं है, ये मेरी बहन का है। और ये खरगोश वाला कपड़ा, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरे बाबू का है। और ये नैपकिन मेरे को दिखाया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, पिंक पिंक। तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी यार ये इसका यूज़ कैसे करते थे, जबकि ये कॉमन सेंस वाली बात है गाइस कि अगर अंदर ये वाटर प्रूफ वाला ऊपर ही रहेगा ना, अंदर प्लास्टिक टाइप था तो वो उल्टा था। और मैं फील ले लेकर टच करी थी, फिर मम्मी ने बताया कि बेवकूफ ये अंदर था और ये उल्टा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार ये क्या किया मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया। बाद मम्मी ने मुझे दे दिया बाजरा खाने को, और किस किसने गाइस बाजरा खाया या बाजरे की रोटी खाई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आगे व्लॉग देखिए और क्या क्या होता है। गाइस तो कहते हैं ना कि आपकी असली कमाई वो नहीं जो आप कमाते हो, असली कमाई वो है जो आपके माता पिता बहुत संभाल कर रखते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है, मेरी जीते हुए कुछ मेडल्स ट्रॉफीज़ आज मम्मी इसे बहुत ही प्यार से साफ़ कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मुझे इसका व्लॉग तो बनाना चाहिए क्योंकि ये भी तो मेरे पास होनी चाहिए ना। तो ये सारा कुछ मैंने स्कूल में जीता था और ये सब 2014 का है। तो आज मम्मी ने इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है, तो ये मेरी असली कमाई है क्योंकि इसे आज तक संभाल के रखा गया है। और मैंने स्कूल में बहुत ट्रॉफीज़ जीती हैं, बहुत मेडल्स मिले हैं, बट आज जो मुझे खुशी मिली देख करके वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती गाइस। और वो उस मोमेंट को मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मम्मी का जो इमोशन था उस वक्त, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, मैं उसे अच्छी तरह से अपने आँखों में भर लेना चाहती थी। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, होप यू लाइक इट। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ रिलेट करिए और अपने माँ बाप से बहुत सारा प्यार लीजिए और दीजिए। लास्ट डे स्पेशल व्लॉग चल रहा है तो इसमें आपको मीठी खट्टी यादें और उसके साथ टेस्टी टेस्टी खाना भी देखने मिलेगा। तो स्पेशल फूड था आज, और स्पेशल फूड में आपको देखने मिल जाएगा चिकन टिक्का प्लस रुमाली रोटी प्लस सीख कबाब। और ये आया कहाँ से सबसे पहले वो बता देती हूँ गाइस। तो हमारे गांव के पास ही एक ढाबा है जो कि बहुत ही फेमस है, द लजीज ढाबा। अगर आप कौशाम्बी के पास गए हो और वहाँ से कोई व्लॉग देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये मुझे भेजा है दानिश भाई ने, तो दानिश भाई अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा रिप्लाई करना, और थैंक यू सो मच इतने टेस्टी खाने के लिए और आपने मेरा दिन बना दिया। तो आगे हमने मूव किया, उसके बाद फाइनली मेरा बैग फुल एंड फुल था, आप देख पा रहे हो, जैसा कि मैं बहुत सारे कपड़े लेके चलती हूँ। मतलब मुझे पता नहीं क्यों ये रहता है कि कहीं अगर मुझे जाना हो गया, रैंडम प्लान बन गया, तो कहीं पार्टी वेयर भी रखती हूँ। मतलब मैं कपड़ों के कलेक्शंस कम लेके कभी भी नहीं चलती, और यहाँ पे मैं भर भर के कपड़े लेकर आई थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मम्मी से मैंने कहा कि मुझे मिठाइयाँ भी लेके जानी है अपने फ्रेंड्स के लिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें भी रखनी है एडिशनल। और घर पे भी मैंने चार बैग भर रखे हैं कपड़े के, तो उनमें से भी कुछ कपड़े मुझे पसंद आ गए थे तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरे से बंद हो नहीं रहे थे, तो मम्मी ने एडजस्ट कर करके इस बैग में प्रॉपर पैकिंग कराई मेरी। और आपको बता दूं गाइस, इतना एडजस्टमेंट कौन ही करता है कि एक किलो की मिठाई के डब्बे को आधे किलो की मिठाई
कि डब्बे में पैक करना पड़ा, इसलिए ताकि मैं एक बैग ही कैरी कर पाऊँ, वरना मम्मी को पता है कि एक बैग भी कैरी करना मुश्किल होता है। मतलब मैं सामान बहुत सारा लेके चलना चाहती हूँ लेकिन उठा के लेके जाना नहीं चाहती। तो मम्मी ने उसका फुल इंतज़ाम किया, एक बैग में ठूस ठूस के कपड़े डाले, ठूस ठूस के सारी चीज़ें एडजस्ट करी, उसके बाद सिर्फ मेरे पास हैंड बैग रह गया था और ये लगेज रह गया था। और लगेज की हालत देख लें किस तरह से सामान भरा पड़ा है। मतलब मैं ट्रेडिशनल वेस्टर्न पार्टी वियर सारा कलेक्शन लेके चलती हूँ कि रैंडम प्लान बन जाए और मुझे कहीं जाना पड़े तो ऐसा ना हो कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है। वैसे तो ये हमेशा ही बोलती रहती हूँ मैं, बट स्टिल मेरे पास सामान बहुत सारे होते हैं गाइज, और मैं प्रॉपर अपना सारा इंतजाम करके चलती हूँ। तो ये गाइज मिठाई के डब्बे देख लें आप, 1 किलो का डब्बा आधे किलो में मम्मी ने एडजस्ट कर दिया और अब इसे ठूस ठूस के बंद भी करने वाली हूँ और उसके बाद भी मेरे नखरे। चलिए आप आगे ब्लॉग में देख लीजिए मम्मी, क्योंकि बहुत भर गया है और वो बॉक्स में 2 डिब्बे का भरा हुआ है इसलिए वो दबेगा भी नहीं। अच्छा वो उधर, अच्छा ओके भाई। मम्मी बंद हो गया, एक उठा देखो कितना भारी हुआ है। मैं गड़ाले से भी चला लूंगी इसमें तो, मम्मी सीढ़ी पे तो उठान पड़ेगा ना। आई मैं जा शिफ्ट करा दिया, तुमने कहां करा दिया। 2 डिब्बे का नहीं, मम्मी ने 1 डिब्बे में शिफ्ट करा के बैग में डाल दिया है, लेकिन भारी बहुत हो गया। क्या भारी है, है मम्मी है भारी है, है मम्मी सीढ़ियों पे तो धक्का थोड़ा देंगे, उठाना पड़ेगा। एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मतलब सीरियस टॉपिक को दिखाना चाहूंगी क्योंकि बहुत टाइम से लोग मेरे से पूछ रहे थे आपका कौन बॉयफ्रेंड है, कौन फ्रेंड है, कोई तो है आपकी लाइफ में। तो एग्जैक्टली यस, मेरी लाइफ में है कोई ना कोई और आज मैं उनसे आपसे मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगी क्योंकि आप फैमिली हो। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरे हस्बैंड से। सो ही इज माई हबी, ये है मेरे हस्बैंड जो मेरे घर पर ही रहते हैं, हम साथ में बहुत खुश हैं, काफी टाइम के बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हाँ आई नो, इनको बहुत अच्छा लगा, इनके मतलब मेरे से मिलने के बाद इनके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने को। सो गाइज, आप इनके इनर सोल को समझे, इनकी फीलिंग्स को समझे और रिस्पेक्ट करें इस चीज को। चलिए, मैं इनसे अब 6-7 महीने के बाद मिली हूँ और अब पता नहीं कब मुलाकात हो, तो मैं इनको बहुत मिस करने वाली हूँ। अगर आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया हो कि मेरा कौन बॉयफ्रेंड है, कौन दोस्त है और मेरा हस्बैंड कौन है, तो आज से आई थिंक आप लोग ये सवाल मुझसे कभी नहीं पूछोगे। सो मैंने ये रिवील कर दिया है, मेरा हस्बैंड है, मैं मैरिड हूँ एंड जो ऊपर का पोर्शन है वो ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट ये है मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ ही रहते हैं। तो रहे हो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना एंड डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक और कीप वॉचिंग और बस देखते रहिए दिल से प्यार से। तो मस्ती वस्ती पैकिंग शैकिंग के बाद फाइनली हम निकल गए स्टेशन के लिए क्योंकि मेरे घर से स्टेशन की दूरी 1 घंटे की है और उसके पहले मुझे बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करना था और उसके बाद फाइनली मुझे टोटो के घर भी जाना था। सो गाइज, मैं ऐसे खच्चर से आई हूँ ना, मतलब क्या था वो, क्या बोलूँ मैं उसको, बैलगाड़ी। एग्जैक्टली, बैलगाड़ी से 2 घंटे बैठे बैठे मुझे लगा था जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाऊंगी वो मुझे नहीं पहुंचाएगा, बट फाइनली मैं पहुंच गई और 3 बजे से बैठे बैठे 5 बज गए और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ। तो देखते रहिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। जाना मुझे आज है और आज ही मुझे सारे काम भी करने हैं, सब कुछ करना है। पता है क्या हुआ था, जो रोल्स रॉयस का शूट में मैं साड़ी पहन के स्कूटी पहन के ड्राइव कर रही थी और फिर मैं वहीं पे खड़ी हो गई, मतलब मैं वेट कर रही थी कि कोई मेरे को पिक करने आएगा। सारे लोग ऐसे देख रहे थे, मैं सबका रिएक्शन भी कैप्चर किया है, मैं ऐसे खड़ी हूँ वीडियोस बना रही हूँ ऐसे ऐसे। पावर वाली वो बटन तोड़ के रखा है वो काम ही नहीं कर रही सही से, और पेंसिल जरा देखो। फर्स्टली मी टोटोज फ्रेंड प्रखर और इनके टैप की हालत तो आप देख ही पा रहे हो। पहले आपको बता देती हूँ इनके टैप की हालत किसने करी है, तो इनके भाई के बेटे ने करी है, पेंसिल को चबा चबा के इसने हालत खराब कर दी है। तो गाइज, जब मेरा फोन टूटा था तो मैं वो सैड फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी, तो चलिए इनसे जानते हैं कि जब कुछ टूटता है तो कैसा लगता है। गाइज, मैंने 7,000 रुपीज तोड़ने के बाद पे किया है, अब इनसे पूछ लेते हैं सेम फीलिंग कैसा फील हो रहा है। अब खर्चा हुआ है, मेरा लैपटॉप पे ज्यादा खर्चा है, 25,000 है, मतलब कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। तो मैं थोड़ा प्रे करती हूँ कि कुछ और टूटे। 2 बार आईफोन का टूट चुका है, जितने का फोन नहीं, 10,000 मेरा लग चुका है। तो दुख हुआ था, वो दुख कैसा था मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, मैं प्रे नहीं करती कुछ भी बुरा। 2 महीने रखा था फोन मिला पर। बस यही दुख मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी गाइस, क्योंकि मैं अपना दुख बयान नहीं कर पाई थी। तो एग्जैक्टली ये देखिए, जब फोन टूटता है तो लोग 2 महीने तक बिना फोन के रहते हैं, ठीक है। तो यही फीलिंग मेरे साथ भी कुछ ऐसी थी, बस बात ऐसी कि मेरे पास एक और फोन था, तो मैं अभी जो हंसता मुस्कुराता चेहरा देख रहे हो इसकी वजह से
पूरे 2 साल के बाद फाइनली अब मैं जा रही थी अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने। तो चलिए फटाफट से चलते हैं सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे। सुभाष चौराहे से लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी अमेरिकन नट्स, जो कि बहुत यम्मी होती है गाइस। तो एक बार जाओ और खाकर जरूर आना। यार ये थोड़ी लोकल सी कोन जरूर है, इस पे मत जाइएगा, बट इसकी आइसक्रीम पे जाइएगा, बहुत टेस्टी होती है। प्रयागराज की लास्ट आइसक्रीम, हो गया ये मैं पूरे 2 साल के बाद खा रही हूँ। हाँ 1 साल दिल्ली में, 1 साल जॉब छोड़े। हाँ तभी ओके गाइस। तो मैं सोचा कि चलो अब अप्पी के घर आए हैं तो आपको बेसिक चीजें दिखा देते हैं कि उसके रूम में आपको क्या क्या मिल सकता है। इनमें से कोई काम का है अप्पी? मतलब मेरे काम का, जैसे स्किन का कुछ, एलर्जी का कुछ? नहीं। तो ये सारी मेडिसिन, ये सब इंजेक्शन का है ना? नहीं ये ब्लड सैंपल का है। वॉच इतना संभाल क्यों रखी, इसको भी लगा दो। समय तेजी से चलेगा आपके रूम में। इस रूम में सिर्फ आपको मेडिसिन, इंजेक्शन और यही सारी चीज़ें दिखने वाली हैं गाइस। तो यही है मेरी सिस्टर का रूम और रूम के डेकोरेशन शोभा जो बढ़ा रही है। अभी हम यहाँ पे इत्मीनान के टाइम स्पेंड करेंगे, खाएंगे पियेंगे स्टेशन पे जाके। मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं स्टेशन अकेले के लिए जाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत सारे लोग मुझे ड्रॉप करने आएंगे तो उन सब से भी मिलवाऊंगी। बस आप देखते रहना ओके। रोटा बनती है पी। आई लव दिस क्लास। अप्पी की शादी को पूरे 7 महीने हो चुके हैं और मैं शादी के पहले उसके ससुराल एक बार आई थी और पूरे 7 महीने के बाद फाइनली अब आ रही हूँ। और उसने मुझे बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट दी है, लाइक वो मेरे ट्रैवल के लिए चीज़ें लेकर आई और खुद खाना बनाया, स्पेशल खाना, नॉनवेज, खीर और बहुत सारी चीज़ें। वरना वो घर पर मेरे साथ क्या करती थी, सारे काम मुझसे ब्लैकमेल करके कराया करती थी कि कच्चे तुम मेरे लिए पानी नहीं लाओगे, मेरे लिए खाना नहीं लाओगे, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, ऐसा करके। और फाइनली उसके घर जब मैं गई तो उसने बहुत ही अच्छे ट्रीट किया। मतलब उसने मुझे बहुत ही प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, लाइक कि मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊँ, तुम्हारे लिए चाय बना दूँ, तुमको कुछ और खाना है, कुछ लेके जाना है, ऐसा वाला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और उसके घर से स्टेशन की दूरी 10 मिनट की थी और मेरी ट्रेन 10:30 बजे की थी। तो 10:10 पे हम फाइनली निकल गए, जीजू यहाँ पर गाड़ी लेकर आ गए थे और सारे के सारे गाड़ी में घुस करके फटाफट से स्टेशन पहुँच गए। वैसे आपको बता दूँ कि मेरा प्री प्लान था कि मैं स्टेशन जाऊँ और सेंटीमेंटल व्लॉग बनाऊँ, बट ऐसा हुआ नहीं गाइस। और कभी भी मेरा सेंटीमेंटल व्लॉग कभी बन नहीं पाता है, और जब सेंटीमेंटल मोमेंट होता है मैं सेंटीमेंटल व्लॉग बना नहीं पाती हूँ, जैसे मेरा फोन टूटा था। यार ये B12 है। ओके गाइस, लास्ट टाइम बहुत ही सैडली गए थे और इस बार बहुत ही हैप्पीली जा रही हूँ। मतलब शायद हैप्पीली तो जाना नहीं चाहिए था, बट हैप्पीनेस इसलिए है क्योंकि मेरे को लगा था मैं थोड़ा सेंटीमेंटल होकर चली जाऊंगी, मेरे को छोड़ने कोई नहीं आएगा, बट मेरी इमेजिनेशन बहुत ही गलत निकल गई है। मेरे को छोड़ने बहुत सारे लोग आए हैं, तो पहले अपने कोच में पहुंचना है B4 में, उसके बाद सबसे मिलवाती हूँ। Okay guys, now let's meet जो मेरे को bye bye करने आए हैं, टोटो friends प्रखर and खाला, मानू, मम्मी, मम्मी, हाँ भैया, और इधर। तो guys, आप लोग विश करें कि इस बार की जर्नी मेरी अच्छी हो और सब कुछ अच्छा हो। तो चलिए अब यहाँ से bye bye करते हैं। सबको बाय बोलकर फटाफट से मैं अपनी सीट पर आ गई। और गाइज मैं आपको बता दूं, हम सफर 10:30 से ज्यादा 5 से 10 मिनट लेट होती है, बट कभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं होती है। बट आज की ट्रेन 1 घंटे लेट थी और उसकी वजह ये थी कि ट्रेन स्टार्ट होते ही ट्रैक के नीचे आ गई थी। थैंक गॉड कि ये चलते ही आ गई थी, वरना स्पीड से आती तो आज हम ऊपर आते हैं और आपको ये ब्लॉग कभी भी देखने नहीं मिलता। रात के 1 बज रहे हैं, रुके टाइम दिखाना जरूरी होता है, वरना आप यकीन भी नहीं करते हो। तो देख ले, ऐसे देख ले, ठीक है। रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है और पता नहीं क्या ही हो गया है। और बस मैं जग रही हूँ, रील से स्क्रॉल करते करते, शॉर्ट्स अपलोड करते करते मेरा सारा कुछ कर लिया, शेड्यूल कर दिया, इंस्टा पे पोस्ट शेड्यूल कर दिया, बट मेरे को नींद ही नहीं है, बत्ती गुल हुई है और मेरी आंखों में कहीं से भी आपको नींद लग रहा है तो मेरे को प्लीज घूम ढांड के मेरी आंखों में वापस डाल दीजिए और ताकि मैं सो जाऊँ और फिर मैं मॉर्निंग में अच्छे से खुशी खुशी उठूँ और नोएडा में पहुँचूँ और फिर आपका
वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइक तो मैं ये करना चाहती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आई हूँ इस बारी, क्योंकि मैं माइंडली प्रिपेयर हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ. पता नहीं क्यों हूँ बट हाँ मैं हूँ. तो चलिए देख करिए, मैंने सोचा कि चलो अब कोई है नहीं मेरे पास ट्रेन में बात करने के लिए, तो आप लोगों से बात कर लिया जाए और ये मोमेंट भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए. और मैं पता नहीं कितनी जोर जोर से बात करी हूँ. बाहर वॉशरूम के बाहर अगर कोई वेट कर रहा होगा तो पता नहीं उसे क्या लग रहा होगा कि अंदर कौन पागल है. और ट्रेन की आवाज़ की वजह से शायद आपको आवाज़ ना भी आ रही हो बट मैं बहुत लाउडली बात कर रही हूँ. तो चलिए मिलते हैं और बहुत ही क्वाइट साइलेंट वाली प्लेस पे पहुँच के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो देखते रहिएगा, मेरे को थोड़ी सी बात करनी थी और थोड़ी सी बात मेरी हो गई. ऐसी हरकतें मैं कभी कभी करती रहूँगी क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट करा है और ब्लॉगिंग करनी है तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप बात ही नहीं करते हो. अब मेरी बातें खत्म होगी नहीं, नॉन स्टॉप बातें करने वाली हूँ. तो फटाफट से रेडी हो जाइए मेरे से बहुत सारी बातें करने के लिए और बहुत सारी बातें सुनने के लिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देने के लिए. हेलो एवरीवन, दिल्ली में आपका स्वागत है. मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ. तो रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन का सफर अभी तय हुआ है, इसके आगे के सफर अभी तय करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सुबह सुबह भागना दौड़ना और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है आज के दिन. वैसे मैं घर पहुंचूंगी और चादर बांध के सोने वाली हूँ, तो देखते रहेगा की पहुंचिंग. हेलो गाइस, तो बैक टू होम आ चुकी हूँ मैं. एंड फाइनली मुझे नहा धो के, मतलब इतनी मोहलत मिली कि मैं नहा धो के चेंज करके फटाफट से फिर से निकल जाऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ. तो आते ही भागम भाग लग गया है. और ये सब कैसे रखा हुआ है यार, क्या कबाड़ा हुआ है इस रूम का यार. ठीक है, ओके. देखिए मेरे बिना रूम कैसा लगता है ये भी आपको दिखा. तो मेरे बिना ये रूम ऐसा लगता है, ये देखिए ऐसा. ये मैंने अभी लाया है, ये मैं अभी लेके आई हूँ, वरना ऐसा लगता है. और मेरे साथ कैसा लगता है ये भी आपको दिखाऊंगी. तो चलिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से नहाऊंगी, चेंज करूंगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ. और मुझे बहुत सारा काम है तो आज ही फटाफट से निकलना है मुझे. तो कहाँ जा रही हो ये भी ब्लॉग में ही दिखाऊंगी, ठीक है? तो पहले फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ, फ़ोन डिस्चार्ज है, और नहा लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े निकाल लेती हूँ. और सबसे पहले नहाने धोने के बाद मुझे जाना है 18 के पास, उसके बाद फिर निकलना है ग्रेटर नोएडा. तो देखते रहिए गाइस.